अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द बच्चो कैसे हो एंड कैसा लगा तुमको मेरा पहला वीडियो बिल्जर्व एक्सचेंज पे आई होप एवरी वन इज़ क्लियर विद दो टॉपिक्स बहुत ही छोटा सा था बार बार रिपीटेड मैंने उस वीडियो में एक ही बात बहुत बार बोलने की कोशिश की है ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए बच्चों हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं यस एंड जनरली वो क्यों आता है बी और बी कैसे आता है वो मैंने तुमको बताया इन सब नाम से मत जाना बेटा बायर कौन सेलर कौन ड्रॉवर कौन ड्रॉवी कौन, कौन, कौन वो सम में नाम दिया हुआ रहता है इसने बिल इशू किया वो हमारे लिए ड्रॉवर है और उसकी बुक्स में क्या आएगा बी आर जो बिल एक्सेप्ट करता है उसकी बुक्स में क्या आता है बी पी एंड ओरिजिनल नेचर सारे बच्चे याद रखेंगे बी आर इज एन असेट ऑन क्रिएशन एंड वेन इट क्लोजेज असेट सेट एंड बी पी इज अ लाइबिलिटी ऑन क्रिएशन वेन इट क्लोजेज लाइबिलिटी रिड्यूजेज मैं सारे पॉइंट्स लिख दूंगी बट फिलहाल एक दो कॉन्सेप्ट्स छोटे -छोटे. फिर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करनी है यहां मैं तीन सिचुएशन करूंगी यस विल डूइंग टू सिचुएशन एंड थ्री सिचुएशन एंड मे बी मे बी फोर सिचुएशन ऑल्सो जनरली इस फोर सिचुएशन के अलावा और कोई सिचुएशन होती ही नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहला सिचुएशन केस ए है जो ऑलरेडी मैंने पिछले मेरे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है बट अब मैं उसके साथ डिटेल में बातें करूंगी एंड फास्ट बातें करूंगी एंड इमीजिएटली तुम सब बच्चों को क्लिक होगा कि अच्छा हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर मैं नाम लिखूंगी एक का नाम ना, राम दूसरे का नाम मोहन नो ड्रॉवर नो ड्रॉवी नो बायर नो सेलर नो नथिंग नो नेम्स विल बी यू नो डेटर नो क्रेटर यू हैव टू जस्ट इमेजिन एंड क्विकली थिंक यस ज पॉइंट क्लियर बट तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं चाहो तो यहाँ लिख देती हूँ तुम चाहो तो लिख लो डेटर्स क्या होता है बच्चों डेबिट और डिक्रीज पे क्या होता है क्रेडिट यस डिक्रीज ऑफ डेटर्स मतलब क्लोज क्लोज होता है या डिक्रीज होता है जैसे तुमको रेफर करना है टू बिल रिसबल इज एन अट असेट इंक्रीज पे क्या होता है बच्चों डेबिट और असेट डिक्रीज पे क्या होता है बेटा क्रेडिट डिक्रीज मतलब क्या होना BR, होना क्लोज ये बातें याद रखना बच्चों तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख दिया क्रेडिटर्स क्या होता है बच्चों लाइबिलिटी क्रेडिटर्स क्या होता है बच्चों लाइबिलिटी लैबिलिटी इंक्रीज पे होती है क्रेडिट एंड लैबिलिटी डिक्रीज पे होता है डेबिट डिक्रीज मतलब लाइबिलिटी क्या हो रही है क्लोज इंक्रीज मतलब लाइबिलिटी क्या हो रही है क्रिएट चाहो तो यहां पर भी लिख लो वर्ड क्रिएट यस आई एम राइटिंग द रूल्स इट बिकम्स फॉर यू एंड लास्ट वन इज इन रेफरेंस टू दिस चैप्टर ओनली बिल्स पेबल इज ऑल्सो अबिलिटी लाइबिलिटी इंक्रीज पे होती है क्रेडिट इंक्रीज मतलब क्रिएट लाइबिलिटी डिक्रीज पे होती है डेबिट डेबिट मतलब क्लोज यस पॉइंट समझ आए सारे बच्चों को ध्यान से देख लेंगे सॉरी गाइस जस्ट अ सेकेंड यस एवरी वन क्लियर विथ योर एवरी वन ध्यान से देखेंगे यस yes?

एंड मोहन यस, अभी मैं कर रही हूं बच्चों केस ए केस ए विच इज वेरी वेरी सिंपल इसको क्या बोलते हैं बाद में बताऊंगी बट फिलहाल लिख लो बी आर ऑन बी आर ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट क्या लिखा बच्चों मैंने बी बिया ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट डेट्स मैं लिख रही हूं बट गलत गलत हो सकती है बेटा फोकस मत करो डेट पे फोकस किस पे है जर्नल एंट्री पे एंड वापस मेरा फेवरेट डेट अप्रैल एंड फर्स्ट अप्रैल एंड फर्स्ट जुलाई क्या बात है बच्चों सबको याद है मैम का फेवरेट डेट मैम का फेवरेट नाम मैम की फेवरेट केसेस एवरीथिंग चलो पहला सबसे पहले राम मोहन को क्या करेगा मैम माल बेचेगा कितनी बार बोल दिया अब बोलना मत सीधे लिख डालना ठीक है बच्चों गुस्सा मत हो मैं सीधे एंट्री लिख देती हूँ आप थोड़ा सा कलर चेंज करो तो लेट्स मेक इट लिटिल कलरफुल एंड प्रिटी बेटा डोंट यू थिंक अकाउंट्स इट इट्स लवली सब्जेक्ट हाँ तुमको लगा था मैम बोलने वाली है बोरिंग सब्जेक्ट नॉट एट ऑल इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट तो आई विश एवरीबडी का ये फेवरेट सब्जेक्ट है चलो राम ने माल किसको बेचा बेटा मोहन को पता क्या एंट्री करेगा ये यस yes, मोहन से पैसे लेंगे मैम असेट इंक्रीज किस रीज़न से सेल्स सेल्स मेरी क्या होती है इनकम इनकम इंक्रीज मैं रेफरेंस भी दे देती हूँ रूल्स का ताकि कोई भी बच्चे सोचेंगे नहीं ये खाता क्यों डेबिट हुआ क्विकली रू, रूल्स क्लिक करना चाहिए मोहन के लिए क्या है बच्चों ये परचेज एंट्री बोलो क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको पैसा देना है राम मोहन के लिए क्या है बेटा एक्सपेंस एक्सपेंस क्या हुआ इंक्रीज राम क्या, Lability. Lability क्या है लायबिलिटी लायबिलिटी क्या हुई है इंक्रीज फॉर सिंपल मैम समझाना नहीं बिल्कुल भी नहीं समझाना ये एंट्री पहले वीडियो में आपने कम से कम सौ बार समझा दी है अच्छा नहीं समझाती दूसरी यस सेकंड एंट्री अब मान लो ये एंट्री 1 अप्रैल 2018 की है पांच अप्रैल को बेचारा राम मोहन के पास जाके गिर रहा है हमें क्या दो बिजनेस एक्सचेंज हमें तुम पे भरोसा नहीं है तुम बोलोगे मैम चार दिन पहले भरोसा था चार दिन बाद भरोसा नहीं है बेटा ऐसे ही तो होते हैं बेटा अकाउंट्स में ऐसी तो कॉम्प्लिकेशन किया जाता है पहले किसी पे ट्रस्ट है, फिर जाता है। और तारीख अच्छा को में भी हो रहा है। एक मोहन पे भरोसा था पांच तारीख को नहीं है जाने तो रीजन पे हमको एंटर ही नहीं करना है अकाउंट्स में एक अच्छी बात तो मुझे क्या लगती है रीजन देखना ही नहीं है सिर्फ सारी बातें जर्नल एंट्री में एक्सप्रेस होती है तो लिखेंगे नहीं होती है तो नहीं लिखेंगे चलो अब राम ने क्या कहा मोहन जी आपको जो करना है करो हमको तो तुम पे प्रस्ट है नहीं तो हम तुम्हारे नाम के बदले में क्या करने वाले एक नया नाम इशू करने वाले जिसको बोलते हैं बी आर बेसिकली राम क्या बोल रहे मैं एक बिल इशू कर रहा हूँ तुम उसको साइन करके एक्सेप्ट करो और मुझे वापस दो ऐसा करने पे मैं तुम्हारे नाम का असेट खत्म कर दूंगा और बीआर के नाम का असेट ले आऊंगा और जब राम ये करेगा तो मोहन को भी उसके नाम की लायबिलिटी राम के नाम की लायबिलिटी बंद करनी पड़ेगी और नई लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम है बिल्स पेबर तो कहना है इसे बी आर एंड बी एंट्री इज क्रिएटेड इंडिविजुअली इन द इंडिविजुअल बुक्स बाय देर ओन विल राम चाहता है बी आर आय और राम चाहता है डेटर राम चला राम चाहता है बी आर आय और राम ही चाहता है, है मोहन डेटर चला जाए तो ये एंट्री आ रही है और इसके चाहने के कारण मोहन को भी अपनी लैबिलिटी राम के नाम से हटानी पड़ेगी और उस लाइबिलिटी को क्या क्रिएट करनी पड़ेगी किस नाम से बिल्स बेवल तो कहना है बेटा बी आर बी पी असेट एंड लैबिलिटी की एंट्री पुराने असेट एंड लैबिलिटी को रिप्लेस करके नए असेट एंड लैबिलिटी के नाम से बस जाना जा रहा है यस मैम चलो सेकेंड एंट्री बताओ क्या होगी जो इश्यू करता है उसके बुक्स में क्या होता है असेट बी आर इज एन अट इन और क्या कम करेगा बेटा ये मोहन मोहन वॉज एन अट बिफोर विच इज नाउ रिड्यूज एंड वेन रिड्यूज वी डू इट क्रेडिट अट रिड्यूज वी डू इट क्रेडिट वाओ मैम नेक्स्ट एंट्री अब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट लाइबिलिटी रिड्यूज होती है तो डेबिट लाइबिलिटी रिड्यूज मतलब बंद लाइबिलिटी बंद और उसकी जगह क्या पेमेंट करके लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं या सिर्फ रिप्लेसमेंट से लाइबिलिटी को बंद कर रहे हैं रिप्लेसमेंट नए खाते से हो रहा है इसलिए पुराना खाता बंद हो रहा है टू बिल्स पेबल दिस इज न्यू लाइबिलिटी विच बिन क्रिएटेड तो कहना है यहां पर थोड़ा सा लिख रही बेटा फिर से ओल्ड लाइबिलिटी इज क्लोज न्यू लाइबिलिटी इज ओपेंड यस यहां पर भी कहना है न्यू असेट क्रिएटेड And old asset closed. सिर्फ बच्चों ये याद कर लोगे ना याद करने की क्या जरूरत है अब तो समझ गया होगा मैम यस कल रात को सपने में भी ना आपका पुराना वीडियो ही घूम रहा था इसके पहले वाला वीडियो एक ही बात आपने सोभा बोली पुराना बंद नया क्रिएट पुराना सेट बंद नया सेट क्रिएट पुरानी लाइबिलिटी बंद नई लाइबिलिटी क्रिएट यस चलेगा अब आएंगे बेटा अब नई बातें कर रही हूं अब तो खुश हो चलो अब नई बातें सुनो ड्यू डेट मेरा फेवरेट ड्यू डेट बताओ मैम फर्स्ट जुलाई टू इस दिन अब प्लीज ध्यान देंगे इस दिन पैसा राम के पास आया बट किस अट के अगेंस्ट आया मैम बी आर के अगेंस्ट मोहन तो ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो कट चुका है मोहन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है अपनी बुक्स में एग्जिस्ट मतलब राम की बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में तो वो जिंदा है सिर्फ राम के बुक्स में मोहन का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका उसकी जगह किसका एग्जिस्टेंस आ गया है बी आर का अब राम को जब भी पैसे मिलेंगे वो क्या बोलेगा बी आर के अगेंस्ट मिला है किसके अगेंस्ट मिला है बी आर के अगेंस्ट तो चलो बेटा पैसे लो पैसे लेने की एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट इसको क्या बोलेंगे असेट इंक्रीज किसके अगेंस्ट मिला है बच्चो बी आर और अब वो बी आर पहले असेट था जब उस बी आर ने पैसे दे दिए तो वो असेट रहा या अट खत्म अट खत्म अट खत्म होता है तो क्या होता है क्रेडिट असेट खत्म होने का मतलब क्या होता है अट रिड्यूस देखो यस यस मैम अब ये क्या करेगा बेटा एक को पैसे मिल रहे हैं तो दूसरे के पास पैसे जाते हैं इसके पास से क्या निकलेगा बच्चों कैश बेचारा कैश निकलते वक्त सबको तकलीफ होती है असेट रिड्यूस कैश निकलने का मतलब क्या होता है असेट घटना असेट घटना मतलब क्रेडिट ये असेट उसका क्यों घट रहा है शौक से बांट रहा है क्या चैरिटी कर रहा है क्या नहीं मैम लाइब्रिटी बंद कर रहा है कौन सी राम की या बीपी की सॉरी यहाँ बी लिख दिया गया बच्चों मैंने इट्स बीपी राम वाली या बीपी मैम कैसी बातें कर रहे हो राम तो बंद कब की हो चुका था सिर्फ लाइबिलिटी किस नाम से बाकी थी बीपी तो क्लोज भी किस नाम से होगी बीपी यस लाइबिलिटी क्लोज करो क्या एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट लाइबिलिटी रिड्यूस पे क्या होता है डेबिट लाइबिलिटी इंक्रीज पे क्या होता है क्रेडिट देखो तुम्हें लगा मैम यही केस आपने पिछले लिखा था वापस लिख दिया नहीं बच्चों अब सुनो ना अब सुनो अब सुनो अब क्यों गुस्सा करते हो यहां तक मैंने पिछली क्लास में बताया था उसको मैंने फिर से रिवाइज करा दिया अब बीच में एक लंबा सारा और लिख रही हूं एकदम बिग है ये और और विजुलाइज करो दिख रहा है क्या सबको और यस yes? या तो ये सिचुएशन आएगी या तो ये सिचुएशन आएगी तो मैं वापस से सी लिख रही हूं ऊपर वाला सी और नीचे वाले को सी वन कर देती हूं चलो सी वन अ पर्सन विल ईदर फॉल इन सिचुएशन सी और फॉल इन सिचुएशन सी वन ये याद रखेंगे सारे बच्चे सी का सिचुएशन मतलब होता है पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट अच्छा मैम हमको ये बात पता ही नहीं थी क्या बात करो बेटा ड्यू डेट पे आ गया अब मैं बात करने वाली हूं जो कि बच्चों है बहुत सिंपल बट तुम जनरली गलत करते हो प्लीज ये मेरा गाना सुनेंगे ये गाना गाएंगे भी जब जब ये काम करेंगे ये गाना गाएंगे अब अगर पेमेंट मिल जाएगा तो हम सीवन सिचुएशन में कभी नहीं आएंगे बट बट अगर राम मोहन के पास ड्यू डेट पे जाता है फर्स्ट जुलाई 2018 ड्यू डेट पे जाता है ड्यू डेट पे जाता है बट बट मोहन पैसे देने से इनकार कर देता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन दैट इज नॉट योर एरिया बिकॉज ऑफ एनी रीजन मे बी मोहन के पास पैसे नहीं हो या whatever. उस केस में राम क्या हो जाएगा सैड राम क्या हो जाएगा सैड और इसका मतलब अब मैं लॉ की भाषा में कहती हूं अगर ड्यू डेट पे राम अपना बी लेते हुए जाएगा राम अपना बी लेते हुए मोहन के पास जाएगा राम अपना बी लेते हुए मोहन के पास जाएगा अब ध्यान से देखो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल भी करती हूं तुम्हारे साथ चलो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ये शीट है इसको शीट मत समझना इसको एक इंस्ट्रूमेंट समझना हमारा क्या है बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट ठीक है बच्चों, एक को मैं बोलूंगी बी आर और दूसरे को मैं बोलूंगी बीपी ठीक है ध्यान से देखेंगे ये क्या है बच्चों बी आर और ये क्या है बच्चों बीपी ये किसके पास होगा राम के पास अभी सिर्फ राम का सिचुएशन देखो ये बी आर किसके पास होगा राम के पास राम अपना बी आर लेते 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 किसके पास गया मोहन के पास उसने कहा भैया इस बी आर के अगेंस्ट पैसे दे पैसे दे पैसे दे इस बी आर के अगेंस्ट पैसे दे पैसे दे मोहन ने कहा पैसे नहीं है नहीं है नहीं है जा तू वापस मेरे पास पैसे नहीं है इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट था जिसको हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना था जिसको हमने कहा था ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इसके अगेंस्ट कुछ भी अगर गड़बड़ शड़बड़ करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है हम मोहन के अगेंस्ट केस कर सकते हैं बहुत सारी बातें होती है बट ये सारी बातें लॉ में पढ़ेंगे जब तुम हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे अकाउंट्स में क्या हुआ मैं ये जब बी लेके मोहन के पास पहुंची मोहन ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है मैम ये बी लेके जाओ रस्ते में मेरे मन में क्या आया अब ये बी मेरे किसी काम का नहीं है अब ये बी मेरे किसी काम का नहीं है अब ये बी मेरे किसी काम का नहीं है इसको फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंक दो रीजन बीइंग मोहन ने इस बी के अगेंस्ट फिलहाल पैसे देने के लिए मना कर दिया मोहन ने ना नहीं किया कि मैं पैसे नहीं दूंगा मोहन ने कहा फिलहाल इस बीआर के अगेंस्ट पैसे नहीं दूंगा तो मैंने फाड़ के इस बीआर को कचरे के डब्बे में फेंक दिया इसको बोलते हैं डिज ऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट डिज ऑनर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट या बिल नॉट मेट ऑन ड्यू डेट बिल नॉट मेट ऑन ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट पे कैसी कैश नहीं मिला तो देखो मैं क्या लिख रही हूं बिल डिस ऑनर्ड On due date, or we can say bill not met on due date. मतलब बेचारा सैड हो गया राम उसने अपना बीआर फाक के कचरे के डब्बे में फेंक दिया और बेटा जब बी आ रही फट गया तो बी भी खत्म बीआर ही फट गया तो बीपी भी खत्म पर डिसऑनर पे याद रखना बेटा सामने वाले ने पेमेंट करने से मना नहीं किया है उस बीआर का पेमेंट या उस बीपी के अगेंस्ट पेमेंट उस बीआर का और बीपी के अगेंस्ट का सेटलमेंट अभी करने से मना कर दिया फिलहाल उसके पास पैसे नहीं है और जब उसका सेटलमेंट ऑन द ड्यू डेट नहीं आता तो बी, बी सिर्फ उसी दिन तक का था उस दिन के बाद वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा वो कचरे के डब्बे में चला जाता है तो इसका मतलब बेटा फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास चेक है चेक यू नो एवरीबडी कितने दिन तक वैलिड रहता है यू नो थ्री मैन सिक्स मंथ तक जो भी तुम्हारा स्टेल चेक का नॉर्म्स है तुम उतने दिन तक उस चेक को यूज कर रख सकते हो उसके बाद अपने आप ही वो चेक क्या हो जाता है खत्म उसका कोई यूज नहीं है उसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है जितने महीने का तुम्हारा क्रेडिट पीरियड था उतने महीने का अगर तुमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है एंड इंस्ट्रूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वैलिड अप टू दैट पीरियड वंस ऑन दैट पीरियड इफ द पेमेंट इज नॉट मेड पेमेंट मिल गया तो इंस्ट्रूमेंट खत्म पैसे आ गया बट अगर ड्यू डेट पे पैसे नहीं भी आए इंस्ट्रूमेंट तो खत्म हो तो जितने एक महीने की वैलिडिटी है बेटा तुम अगर एक महीने में डेढ़ सौ का तुमने बिल कंज्यूम नहीं किया तुमने सौ का ही कंज्यूम किया फिफ्टी बी फिनिश माना जाता है या नहीं जाना जाता है बिकॉज yes, उसकी वैलिडिटी खत्म चाहे तुम यूज करो या ना करो वो पैसे यूज करो या ना करो खत्म उसी तरह ड्यू डेट पे बेटा जब मैं बीआर लेके गई उसने कहा मैं इस बीआर का फिलहाल पेमेंट नहीं दे सकता बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है उसने ये नहीं कहा कि मैं पूरे ही पैसे नहीं दूंगा उसने सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहा मैं पैसे नहीं दूंगा मैं बाद में दूंगा कब दूंगा वो मैं कल तुमको फोन करके बताऊंगा बट फिलहाल अपने घर जो मैं इस बीहार का पेमेंट नहीं कर सकता इस बी का पेमेंट नहीं कर सकता अब सुनो इसको कहते हैं डिसऑनर या इसको कहते हैं बिल नॉट मेट ऑन ड्यू डेट यहाँ पर एक प्यारा सा गाना गाना बट मन में गाना बेटा बिकॉज इसका सुर बहुत अच्छा नहीं है डोंट बी सो हैप्पी कि तुम बहुत ऐसे यू नो सिंगर्स डोंट स्टार्ट सिंगिंग इसमें सिर्फ देखो क्या गाना गाना है जिसके बुक्स में लास्ट बी आर आ रहा होगा जिसके बुक्स में लास्ट बी आर और वो जब देखोगे बेटा सी वाली एंट्री मत देखना बिकॉज वो एंट्री हो नहीं रही है ऑनर हो रहा है तो एंट्री होगी डिसऑनर तो हो हुआ तो कौन कौन सी एंट्री होगी ए बी एंड सीधे सी वन सी तो हो ही नहीं रही है तो चाहो तो बेटा प्लीज ये ध्यान रखना सी की एंट्री नहीं हो रही है तभी हम सी वन पे पहुंचेंगे अगर सी की एंट्री हो रही है तो हम सी वन पे नहीं पहुंचेंगे ऑफ दिस सिचुएशन होगा एवरीबॉडी विथ मी चलो एक बार क्या मैं इसको इरेज करूं तुमको समझाने के लिए एक बार बस इरेज करूंगी बाद में लिख दूंगी या मैम रहने तो हमको समझ आ गया कोई बात नहीं बट ये समझ आ गया जब भी होगा या तो ए बी एंड सी वाली एंट्री होगी या ए बी एंड सी वन वाली एंट्री होगी बट सी और सीवन दोनों एक ही सिचुएशन पे कभी भी नहीं होगा यस yes? अब ड्यू डेट पे बेचारा राम को जब पैसे नहीं मिला राम एकदम सैड हो गया शिट बी को फाड़ के फेंकना है बी को फाड़ के फेंकना है अब देखो डिजोनर की एंट्री मैं इसी सिचुएशन में एक गाने से सिखाऊंगी बाद में तुम इसको हर केस में फिट करोगे बरूबर फिट होगा Last, बी आर, लास्ट बी लास्ट बीपी जिसकी बुक्स में वो अपनी बुक्स में बी बीपी को करेगा रिवर्स लास्ट बी आर लास्ट बीपी जिसकी बुक्स में है वो अपनी बुक्स में बी आर बी को करेगा रिवर्स तो यहां पर मैं लिख रही हूं तुम्हारे लिए सॉन्ग इसको क्या बोलेंगे सॉन्ग सॉन्ग का सिंबल ऐसा ही होता है ना बच्चों लास्ट बी आर लास्ट बीपी इन हुए एवर बुक्स विल रिवर्स इट रिवर्सल रिवर्सल मीन्स टू क्लोज इट यस लास्ट बी आर लास्ट बीपी जिसके बुक्स में होगा वो अपनी बुक्स में बी आरबीपी को क्या करेगा रिवर्स जिसकी भी बुक्स में होगा मैम आप ये बात क्यों कर रहे हो यहां दो ही पार्टी है एक की बुक्स में बी आर है दूसरे की बुक्स में बीपी है इस सिचुएशन में तो एक ही बंदा है जिसके पास बी आर और एक ही बंदा है जिसके पास बीपी है सबसिक्वेंट केसेस में बी होल्डर चेंज होते हैं इसलिए मैं कह रही हूं ध्यान से सुन लो लास्ट बी जिसके बुक्स में होगा वो बी को करेगा बंद लास्ट बीपी जिसके बुक्स में होगा वो बीपी को बंद करेगा और आगे मैं एक पॉइंट बताऊंगी बीपी हमेशा एक ही बंदे के पास रहती है वो है ड्रॉवी बिकॉज बीपी इज नॉट ट्रांसफर्ड बीपी इज नॉट ट्रांसफर्ड बट बट बी आर इज ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल बिकॉज ऑफ विच बी आर होल्डर कीप्स ऑन चेंजिंग याद रखोगे बेचो बिकॉज ऑफ विच बी आर होल्डर कीप्स ऑन चेंजिंग बट बीपी इज नॉट ट्रांसफर्ड हमेशा बीपी होल्डर कौन रहेगा ड्रॉवी बट प्लीज अगर इतना याद नहीं रहता तो सिंपल कर दो ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा और उसके साथ एक और गाना गाएंगे किससे आई नो बेटा टू राइट इन हिंदी बट गाने को लिखेंगे किससे लेंगे किसको देना किससे लेना किसको देना किससे लेना, 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 लेना किसको देना क्या बोला मैंने बेटा किससे लेना किसको देना किससे लेना किसको देना तो प्लीज ये याद रखना किससे लेना किसको देना किससे लेना किसको देना फ्रॉम होम टू टेक या टू होम टू गिव प्लीज बेटा ये इंग्लिश में अच्छा नहीं लगता है सुनने में हिंदी में बोलेंगे किससे लेंगे किसको देंगे किससे लेना किसको देना किससे लेना किसको देना किससे लेना किसको देना ये डिजोनर के केस में सिर्फ गाएंगे तो बताओ डिजोनर में मैंने क्या बोला लास्ट बी आर लास्ट बी पी होगा रिवर्स जिसके भी बुक्स में अगर वो क्रेडिट में है तो बंद करने के लिए डेबिट अगर डेबिट में है तो बंद करने के लिए क्रेडिट एंड उसके साथ एक और गाना गाएंगे किससे लेना किसको देना किससे लेना किसको देना चलो ये गाना यहां फिट करते हैं सारे बच्चे ध्यान देंगे सिर्फ एक ही बुक्स देखो एक ही बुक्स में हम ये कह रहे हैं कि डिज ऑनर हुआ है ड्यू डेट पे पैसे नहीं आए इसका मतलब पहली एंट्री हुई है दूसरी एंट्री हुई है थर्ड एंट्री हुई नहीं है पहली एंट्री में हमने माल बेचा क्या एंट्री की मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स दूसरी एंट्री में क्या एंट्री की है बीआर अकाउंट डेबिट टू मोहन मोहन तो पहले ही बंद हो चुका था तो बताओ लास्ट बीआर किसकी बुक्स में आ रहा है राम की बुक्स में किस पोजीशन पे आ रहा है डेबिट की पोजीशन में किस पोजीशन पे आ रहा है डेबिट की पोजीशन में डिसऑनर में जो ओरिजिनल है उसका क्या कर दो रिवर्स तो टू बीआर अकाउंट टू बीआर अकाउंट बीआर बंद हो गया बीआर डेबिट में था और हमने क्लोज कर दिया क्रेडिट से अब मुझे बताओ राम किससे पैसे अब वापस मांगेगा मोहन से अब वो बी आर के मांगेगा या डायरेक्टली मोहन से मांगेगा डायरेक्टली मोहन से मांगेगा तो बताओ राम किससे पैसे लेगा मोहन से राम किससे पैसे लेगा मोहन से तो बताओ क्या होगा मोहन अकाउंट डेबिट टू बी आर बी आर क्या हुआ बंद असेट रिड्यूस वापस से पैसे किससे मोहन से देखने में बहुत बताओ राम किससे पैसे लेगा मोहन से और लेना भी किससे चाहिए मोहन से अब मोहन और मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये वाली एंट्री तो हुई नहीं चलो इसको ढक देते राम राम ऑलरेडी बंद हो चुका है किसके बुक्स में बीपीआर है मोहन के बुक्स में किसके बुक्स में बीपी आ रहा है मोहन के बुक्स में जिसके बुक्स में बीपी आ रहा है वो बीपी को क्या करेगा बंद बीपी किधर आ रहा है क्रेडिट में बंद करने के लिए डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट कैन आई से लायबिलिटी रिड्यूस बंद हो गई टू अब मुझे बताओ मोहन किसको पैसे देगा मोहन किसको पैसे देगा मोहन किसको पैसे देगा किससे लेना किसको देना राम को लेना है मोहन को देना है राम को लेना है मोहन को देना है मोहन किसको देगा राम को तो राम उसकी लाइबिलिटी टू राम अकाउंट लाइबिलिटी ध्यान से देखो डिज ऑनर बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट अगर इलेवन प्रेफरेबल है डू इट बट आई थिंक इस तरह करोगे एक भी चांसेस ऑफ एरर नहीं है आई एम टेरिंग यू एरर फ्री जर्नल एंट्रीज रहेगी लॉजिक के साथ करो माल बेचना माल खरीदना ओरिजिनल डेटा को बंद करके उसकी जगह नया नयासेट देना ओरिजिनल लाइबिलिटी को बंद करके उसकी जगह नए लाइबिलिटी लेना अब पैसे ओरिजिनल के अगेंस्ट नहीं आएगी उस नए एसेट्स एंड नए लाइबिलिटी के अगेंस्ट आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं बी आर एन बीपी अगर पैसे आ गए तो हमको बी आर एन बी के अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं ओरिजिनल डेटर एंड लाइबिलिटी के अगेंस्ट नहीं है और अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें गाना गाना है लास्ट बी आर बंद लास्ट बीपी बंद किससे लेना किसको देना किससे लेना किसको देना ध्यान से देखो आई होप केस एज क्लियर देखो बी आर ऑनर ऑन ड्यू डेट ऑन डिजॉनर दोनों अब सिखा दिया मैंने यस ये नॉर्मल केस है इसको क्या बोलते हैं केस ए नॉर्मल बिल का ट्रांजेक्शन ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में हुआ है बिल का ऑनर हो गया है और नहीं तो डिजॉनर हुआ है यहाँ एक दो लोग से ज्यादा थर्ड लोग इन्वॉल्व नहीं है यहां पर सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व है वन इज अ ड्रॉवर एंड अदर इज अ ड्रॉवी one is a drawer and other is a drawee प्लीज बच्चों एग्जाम्पल लिखेंगे तुम लोग अपने नोटबुक में मैंने नाम के साथ किया ताकि तुमको इजी रहेगा एंट्री समझने के लिए ड्रॉवर ने बिल ड्रॉवी को दिया ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को वापस किया इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इसकी बुक्स के लिए बी आर इश्यू है इसकी बुक्स में बीपी एक्सेप्टेड है इट इज नथिंग बट क्लोजिंग ऑफ अ ओल्ड एसेट एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू एसेट इट इज नथिंग बट अ क्लोजिंग ऑफ अ ओल्ड लाइबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू लाइबिलिटी इट इज नथिंग बट रिसीविंग अमाउंट अगेंस्ट बी इट इज नथिंग बट पेंग अमाउंट अगेंस्ट बीपी बट अगर बेचारा ड्रॉ भी कमजोर निकला पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं दे पाया तो उसने क्या कहा भैया हमारे हमारे को को करो इस वैलिड नहीं मानो इसको इनवैलिड करो इसको फाड़ के कचरे के डब्बे में फेंको तो हमें कौन सा गाना गाना है किससे लेना, लेना किसको देना बात समझ आई सबको यस मैम मैम एक और केस समझा दो यस yes, केस टू भी मैं समझाऊंगी इसी वीडियो में बेटा ताकि तुम समझ जाओ अगर ज्यादा हुआ तो सिर्फ दो केसेस लेंगे केस ए एंड केस बी केस बी बच्चों का केस है बहुत ही सिंपल है बहुत ही सिंपल है बट पहले समझाने से पहले एक छोटा सा रफ नोट बनाऊंगी किसी भी बच्चे को वो कॉपी नहीं करने बाद में मैं इरेज कर दूंगी सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ सुनेंगे ध्यान से और मुझे पता है सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं सबको समझ आ जाएगा राम की बैलेंस शीट है राम की बैलेंस शीट में मोहन से एक लाख लेना है ठीक है ऑब्वियसली तो राम के लिए मोहन क्या है बच्चों मुझे बताने की जरूरत नहीं है सबको पता है डेटर्स और राम बेचारा एक, एक बंदा है जिससे सोहन को भी पैसे देने मान लो सिक्सटी थाउजेंड आई हैव केप्ट इट जान मुझ के अलग अलग अमाउंट ताकि यू कैन इजली कोरिलेट सोहन क्या बेटा राम के लिए मैम ये तो क्रेडिटर्स हो जाएगा लायबिलिटी है ये क्या बच्चों लायबिलिटी ये क्या बच्चों असेट सिर्फ ध्यान से सुनना बेटा और ये हम करते भी हैं अगर तुम थोड़ा सा तुम सोचो ही नहीं कि तुम ऑफ़ वैक्सीन का चैप्टर पढ़ रहे हो एक चेक है मोहन ने एक चेक राम को दिया यस yes? मोहन ने एक चेक किसको दिया राम को दिया तो थिंक राम वो चेक सोहन को देके अपना पेमेंट सेटल कर सकता है मैम अलग अलग अमाउंट मत करो फिर हमको लगेगा बैलेंस का क्या करेगा चलो ठीक है एक लाख लेना है एक लाख देना है बेटा राम को मोहन से एक लाख लेना है तो मोहन ने एक चेक दिया राम को चेक दिया तो मोहन ने तो अपना काम कर लिया अब राम ये चेक पहले अपने बैंक में जमा कराएगा फिर अपने बैंक का एक चेक काटेगा और सोहन को देगा डोंट यू थिंक ये चेक वो सोहन को दे देगा समझा क्या मतलब चेक उसने अपने बैंक पे डिपॉजिट करके फिर अपने बैंक का चेक न काट के उसने मोहन के चेक को रूट कर दिया सोहन को बात समझिए क्या इसी सिचुएशन को बोलते हैं बेटा हम इंडोर्समेंट इसको क्या बोलते हैं बेटा इंडोर्समेंट मतलब हमने अपने असेट से पैसे कलेक्ट करके हमने अपनी लैबिलिटी को सेटल कर दिया हमने अपने असेट से पैसे लेके क्या सेटल कर दिया लाइबिलिटी को फॉर एग्जाम्पल मोहन ने एक लाख कैश दिया तो राम के पास कैश आया राम ने ये कैश किसको दे दिया सोहन को सेटल कैश में नाम लिखा है क्या सिर्फ सोहन रख सकता है मोहन रख सकता है राम रख सकता है कहीं पर भी यूज उस करो मोहन ने चेक दिया हमने राम ने वो चेक किसको दे दिया सोहन को उसी तरह सोचो बेटा उसी तरह आप सोचो हमने एक बिल इशू करवाया किस से मोहन से एक्सेप्ट करवा के तो राम के लिए वो क्या है बी आर तो कहना इसे मोहन को काट के उसने अपनी बुक्स में क्या क्रिएट कर लिया बी कितने का एक लाख यही होता है सिचुएशन ये बी आर इज एक एक रखा है कि तुम ये बी आर किसी को ट्रांसफर कर सकते हो अगर तुम्हारी कोई लैबिलिटी है ऑब्वियसली हम अपना असेट किसी लैबिलिटी को पे करने के लिए यूज करेंगे ना क्या हम अपना असेट असेट क्रिएट करने के लिए करेंगे क्या यस yes, असेट अगर क्रिएट करेंगे तो ये असेट खत्म होगा तो असेट या तो असेट क्रिएशन में काम आता है या लैबिलिटी पे ऑफ करने में काम आता है ये सबको पता है

एंड सब बच्चों को पता है बेटा हम देके देिटी और वेव ऑफ करा सकते हैं हम असेट दे के अपनी लाइबिलिटी को सेटल ऑफ करा सकते हैं हम असेट दे के अपनी लाइबिलिटी को क्लोज कर सकते हैं बट बेटा कभी सुना है कि किसी बंदे की लाइबिलिटी तुमने ले ली है लाइबिलिटी कोई नहीं लेता है बट हम अट आराम से ले लेते हैं तो बेटा राम की बैलेंस शीट का बी आर ट्रांसफरेबल है बट मोहन की बैलेंस शीट का बीपी याद है उसकी बुक्स में राम आ रहा था वन लाख से उसको बंद करके उसने क्या क्रिएट किया है बीपी वन लाख से ये बीपी नॉन ट्रांसफरेबल है बीपी ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो आ, बी आर इज ट्रांसफरेबल इज नॉट ट्रांसफर बेसिकली बीआर इंडोज होता है बेटा बीपी कौन इंडोज करेगा बेटा हम असेट ले लेंगे बट हम कभी किसी की लाइबिलिटी नहीं लेते तो ये पॉइंट याद रखना है बेटा अब इंडोजमेंट का हम तुमको समझ इट इज एवरी मच के मैं लिखवा देती हूँ बेटा डोंट वरी लेट इरेज दिस पार्ट यस एवरीवन ध्यान से देखेंगे शालवी फिर से लेंगे राम मोहन एंड सोहन ठीक है याद रखना बेटा सोहन इज कनेक्टेड टू राम सोहन इज कनेक्टेड टू राम राम की बुक्स में सोहन क्या है बच्चों लैबिलिटी प्लीज ये याद रखोगे मैम इसको थर्ड कॉलम में क्यों डाल रहे हो ताकि तुम्हारा सीक्वेंस मेंटेन रहे ड्रॉवर ड्रॉवी इंडोरसी इसको बोलते हैं ड्रॉवर इसको बोलते हैं ड्रॉवी इसको बोलते हैं यस yes? और बच्चों प्लीज याद रखना हमेशा ड्रॉवर अपना बी आर इंडोर्स करता है टू द इंडोरसी टू सेट ऑफ एज लेबिलिटी टू क्लियर ऑफ इज लैबलिटी तो प्लीज गड़बड़ मत करना बी आर इसके पास है बीपी इसके पास है बीपी इज नॉट ट्रांसफरेबल बी आर इज ट्रांसफरेबल टू सेटल द लाइबिलिटी इन इट्स बैलेंस शीट इसकी बैलेंस शीट में जो आ रही है इसकी बैलेंस शीट में ठीक है प्लीज उसी के नेचर में पड़ेंगे अब सारे बच्चे ये केस भी है जिसको हम क्या बोलते हैं एंडोर्समेंट फास्ट फास्ट करेंगे आप हमें सॉरी राम मोहन एंड सोहन क्विक पहली एंट्री में नहीं बोलूंगी बच्चों आई नो तुम गुस्सा हो जाते हो मुझसे राम ने बाल मोहन को भेजा क्विकली बोलो राम क्या करेगा बोलो मैम कैसे बोले आपको सुनेगा क्या मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स यस मोहन क्या करेगा बच्चों क्विकली परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सोहन से हमें कोई लेना देना नहीं अभी सोहन सीन में नहीं आया है इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन है राम को मोहन पे ट्रस्ट नहीं था तो राम ने क्या कहा भैया मैं तेरा नाम हटा रहा हूं इसकी जगह एक नया एसेट ला रहा हूं जिसका नाम क्या है बी आर तो बताओ क्या एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू मोहन यस और इस बेचारे को भी क्या करना पड़ा है लाइब्रिटी खत्म करनी पड़ी है राम अकाउंट डेबिट और बेचारा नया लाइब्रिटी का नाम क्या रख रहा है बीपी अकाउंट होप यहां तक सबको क्लियर है नरेशन रेशन लिखू क्या ऊपर सेल्स की एंट्री है नीचे बिल इश्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री है अब थर्ड एंट्री प्लीज ध्यान देंगे, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे बाद में नहीं बोलेंगे क्या हो गया इसने ये वाला बी अपने पास ड्यू डेट तक नहीं रखा चलो डेट भी लिख देती हूँ फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एंड एटीन 5th अप्रैल 2018, 10th अप्रैल 2018 ड्यू डेट आया ही नहीं आया नहीं ड्यू डेट से पहले ही राम ने ये बिल किसको दे दिया सोहन को कहा सोहन तू ले और तेरी लाइबिलिटी मेरे दिमाग से हटा तो खुद सोचो राम की बुक्स में सोहन लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट और जब हम लाइबिलिटी को पे कर देते हैं तो लाइबिलिटी क्या होती है घटती है तो क्या करते हैं डेबिट तो बताओ क्या एंट्री होगी हाँ मैम एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिट रीजन लिख दो मैम लाइबिलिटी रिड्यूस ऊपर मैंने रीजन लिख, नहीं लिखे बट होप इट इज वेरी मच क्लियर और सोहन की लाइबिलिटी तुमने कैसे रिड्यूस की कैश पे करके ना ना चेक पे करके बी आर बी आर तुम्हारे लिए असर था तुमने किसको ट्रांसफर कर दिया सोहन के तो तुम्हारे पास भी बी आर क्या हो गया खत्म टू बी आर यस ध्यान से विजुलाइज करो थोड़ा सा मैम मत विजुलाइज करो करेंगे बच्चों करेंगे देखो राम की बुक्स में मोहन मोहन पहले ही कट चुका था उसकी जगह क्या आ गया था बी आर इंडोर्समेंट करने से देखो क्या बंद हो गया हा मैम बी आर बी आर भी बंद हो गया है तो इसका मतलब राम की बुक्स में ना तो मोहन है ना तो बी आर है और अगर ध्यान से देखो सोहन भी बंद हो चुका है जो दिख नहीं रहा है बंद हो चुका है सोहन इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइब्रिटी जिसको हमने डेबिट करके क्या कर दिया बंद वो वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट ध्यान से देखो वो बंद yes, बीहार बी बी ही रहेगा जो मर्जी तुम उसको इंडोर्स करो या क्या करो वंस इट इज अर इट विल बी थ्रू आउट बी बी आर वेदर इट इज ट्रांसफरेबल और नॉट राम के लिए बी आर है तो सोहन के लिए भी बी, बी आर है सोहन ने भी मोहन को दिया या सॉरी तो, सोहन ने भी किसी और यू नो गणेश को दे दिया तो भी वो बिहार ही रहेगा गणेश ने राम को दे दिया या कुछ कुछ भी ट्रांसफर हुआ इट विल ऑलवेज रिमेन बी आर ओनली राम के लिए बिहार खत्म हो गया ये बिहार किसके पास दौड़ा दौड़ा चला आया सोहन के पास सोहन के पास क्या आया बी आर क्यू असेट इंक्रीज और ये वाला असेट आने से राम जो ऑलरेडी इसके बुक्स में असेट था अगर राम की बुक्स में सोहन लाइब्रिटी था तो सोहन की बुक्स में राम क्या रहा होगा असेट सेट अब रहा या राम का सेट खत्म करना पड़ेगा राम का सेट खत्म करना पड़ेगा टू राम अकाउंट रिड्यूस बस यही एक एंट्री है जो एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट की देखनी है दिस इज एंट्री मैम मोहन में आपने कुछ किया नहीं बेटा मोहन को इंडोजमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है बीपी पहली बात इंडोज होता नहीं है और ये सारा ट्रांजैक्शन बीआर ने अपने लाइबिलिटी से किया है बीपी होल्डर क्या करेगा वो चुपचाप शांति से अपने दुकान पे बैठे रहेगा उसको क्या करना बेटा राम अपनी बुक्स में जो भी मर्जी तमाशा करे उससे मोहन को क्या करना मोहन के बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मोहन चुपचाप तो ध्यान से क्या खत्म होता है और है। से क्या क्लोज कर रहा है वो ये करके लैबिलिटी ऑब्वियसली वो अपना किसी लैबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज कर रहा है और इंडोरसी के पास क्या आ जाता है नया असैट जिसका नाम क्या है बी आर और उसे वो क्या बंद कर देता है पुराना सेट देखो यस yes, मैम अब फोर्थ वाला पॉइंट अगर तुमने आंसर दे दिया ना तो बहुत खुशी होगी मुझे ड्यू डेट मेरा ड्यू डेट बताएंगे जुलाई ड्यू डेट सॉरी ड्यू डेट ड्यू डेट पे बताओ कौन किससे पैसे लेने जाएगा कौन किससे पैसे लेगा बताओ ड्यू डेट पे कौन किससे पैसे लेगा बताओ बच्चों क्विकली ड्यू डेट पे कौन पैसे लेगा मैम मैम कौन किससे लेगा कौन किससे लेगा हमको समझ नहीं आ रहा है बेटा ध्यान रखना हमेशा जो लास्ट बीआर होल्डर होता है वो बीपी होल्डर से पैसे लेता है मैं लिख देती हूं ऑलवेज लास्ट बीआर होल्डर टेक्स अमाउंट फ्रॉम द बीपी होल्डर लास्ट बी आर होल्डर देखो कौन है मैम राम तो है नहीं, Mohan, Mohan चुका, BR, BR चुका, तो राम बी आर होल्डर में भी बी आर है तो याद रखना है लास्ट बी आर होल्डर पैसे लेता है लास्ट बीपी होल्डर पैसे देता है लास्ट बीपी होल्डर तो कभी चेंज ही नहीं होता है हमेशा कौन रहेगा ड्रॉ भी बी आर होल्डर जो मर्जी चेंज करते रहो यस एवरी वन तो मुझे बताओ ड्यू डेट पे मुझे बताओ राम की बुक्स बुक होगा बी तो ना, ना मोहन है ना सोहन है ही नहीं तो इसको पैसे क्यों मिलेंगे लास्ट बी होल्डर कौन है सोहन बताओ सोहन किसके पास जाएगा सोहन मोहन के पास जाएगा और बेटा तुमको क्या लगता है तुमको क्या लगता है मोहन पैसे दे देगा यस मोहन को नाम से लेना देना नहीं है मोहन को सिर्फ बीआर होल्डर से लेना है जो वो चिट्ठी लेके आएगा बीआर का वो उसको वो पैसे दे देगा जो चिट्ठी लेके आएगा बीआर को वो उसको पैसे दे देगा चेक चेक के केस में में जैसे होता है है जिसके पास चेक है, उसके अकाउंट पैसे चला जाएगा कहां कहां से रूट हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है तो बेटा मोहन कुछ नहीं कहेगा बस बताएगा दिखा तेरे पास बी है क्या हाँ बी है ले सोहन पैसे ले घर जा तो बताओ किसको पैसे मिलेंगे सोहन को बताओ सोहन क्या एंट्री करेगा पैसे मिलने की वेरी सिंपल उसके पास क्या आएगा कैश कैश इंक्रीज होता है मतलब असेट इंक्रीज और क्या बंद कर देगा वो बी आर टू बी आर अकाउंट क्यू असेट रिड्यूस पैसे आ गए सिर्फ ये सब बातें समझ जाओगे बेटा लाइफ बहुत इजी हो जाएगी अकाउंट्स को रीड करना सीखो बेटा याद करना नहीं जितना याद करोगे उतना डिफिकल्ट है तुम सोचे क्या इंक्रीज याद हो सकती है क्या दिस इज द रीजन यू डोट लाइक बिल्ज ऑफ एक्सचेंज बट आई थिंक इट्स अ इजी चैप्टर ओनली थिंग इज यू नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड हाउ आर द ट्रांजेक्शन एवरीवन आप ध्यान से देखेंगे अब किसके पास से पेमेंट जाएगा मोहन मोहन का क्या बंद हो जाएगा बीपी बिकॉज वो अपनी लाइबिलिटी का क्या कर रहे हैं पेमेंट लाइबिलिटी का जब पेमेंट करते हैं तो पुरानी लाइबिलिटी क्या होती है बंद और उसके पास से क्या निकलेगा कैश कैश निकलना मतलब रिड्यूस सिंपल देखो कितना सिंपल है इंडोर्समेंट समझ आ गया तो बेटा हम कितना भी इंडोजमेंट कर सकते हैं बेटा सोहन ने गणेश को दे दिया गणेश ने प्रभा को दे दिया प्रभा ने मीरा को दे दिया मीरा ने किसी और को दे दिया चलता रह सकता है बेटा ये बट प्लीज क्लैरिटी रखना ट्रांसफरेबल है बी और बी होल्डर चेंज होते हैं बीपी होल्डर चेंज नहीं होता लास्ट बी होल्डर पैसे लेने लास्ट बीपी होल्डर के पास जाता है यस yes? देखो यस yes? अब मैं बता देती हूँ या तो ट्रांजैक्शन वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा या फिर फोर ए वाला केस आएगा या तो वन या टू या थ्री या फोर ए यहां पर भी क्या आएगा बेटा और अगर ड्यू डेट पे मेच्योर होकर पैसे मिल गए तो फोर्थ वाली एंट्री कर लेना मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड तो कौन सी एंट्री करेंगे फोर्थ वाली या ड्यू डेट पे कौन सा चीज हो गया डन क्या हो गया बच्चों डिज ऑनर डिज ऑनर मतलब क्या ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिले इसका मतलब ये वाली फोर्थ वाली एंट्री नहीं हुई फोर्थ वाली एंट्री नहीं हुई इसीलिए बच्चों में ये सॉन्ग गाती हूं ताकि तुमको क्लैरिटी आ जाए इतना डिटेल तुम नहीं पढ़ पाते हो एंट्री करने के बाद कि मैम कहाँ कहाँ से एंट्री ढूंढे इसलिए मैंने कहा वो गाना गाएंगे लास्ट बी आर क्लोज करो लास्ट बीपी क्लोज करो जिसके भी बुक्स में है किससे लेना किसको देना किससे लेना किसको देना ये याद रखेंगे और हमेशा क्या करना पीछे से आगे बढ़ना पीछे से आगे बढ़ेंगे या कैसे भी कर लो ये गाना कैसे भी फिट कर लो कि चीजें एकदम क्लियर होगी एवरीवन अब मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूं और तुमको बताती हूँ ये पॉइंट कैसे सॉल्व होगा ठीक है देखेंगे सिर्फ फर्स्ट थ्री एंट्रीज देखेंगे बेटा सेटलमेंट की एंट्री मत देखो राम के बुक्स में मोहन बंद है राम के बुक्स में बी बंद है राम के बुक्स में सोहन बंद है राम ने तो सब कुछ बंद कर दिया बट ये डिज हो गया डिज हो गया इसका मतलब जिस लाइबिलिटी को उसने बी से क्लोज किया था वो वापस चिल्ला है और जिस लाइबिलिटी को उसने बीपीस के अगेन सेटल किया वापस चिल्ला है इसका मतलब सारे लोग बेचारे राम पे चिल्ला रहे बट राम के पास बेचारे क्या तो बी है ही नहीं राम के पास तो मोहन भी नहीं है राम के पास तो सोहन भी नहीं है तो राम गुस्से में आया वो कहता है मैं मोहन से पैसे लूंगा और किसको दूंगा सोहन के तो यहां पर इसके पूरा गाना फिट हो रहा है. बी आर बीपी भी क्लोज हो रहा है मोहन से पैसे लेगा सोहन को देगा मोहन से पैसे लेगा सोहन को देगा मोहन क्या था असेट सोहन क्या था लायबिलिटी वही कर लो चलो राम क्या बोलेगा मैं मोहन से पैसे लूंगा और किसको दूंगा सोहन से इसका मतलब ओरिजिनल असेट क्रिएट कर रहा है, ओरिजिनल लायबिलिटी क्रिएट हो रही है डिसऑनर होने से बिल्स का नामो निशान खत्म हो जाता है एंड पुरानी चीजें वापस आ जाती है मोहन क्या था असेट वापस आ गया सोहन क्या था लायबिलिटी वापस आ गया गाना गाओ किससे लेना मोहन से जिससे लेना वो डेबिट किसको देना सोहन को लैबिलिटी क्रेडिट यस देखो डिसऑनर की एंट्री लास्ट बीपी होल्डर देखो कौन है फोर्थ एंट्री नहीं हुई है इसलिए मैं फोर्थ को ढक रही परचेज राम राम तो कम बंद हो चुका था मोहन के पास क्या है बीपी जिसके पास लास्ट बीपी है वो भी बुक्स में बंद होगा बिकॉज जिस ऑनर में वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा इंस्ट्रूमेंट नो मोर वैलिड उसको फाड़ के फेंकना है फेंकने का तरीका अकाउंट में क्या है क्रेडिट का डेबिट डेबिट का क्रेडिट तो बीपी किधर है क्रेडिट में क्लोज करने के लिए डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट बीपी अकाउंट डेबिट इसका मतलब क्या होता है लाइबिलिटी रिड्यूस और मुझे बताओ बेटा डिसऑनर पे मोहन किसको जानता है किसको पैसे देगा यस yes. अब तो चीजें डिसऑनर होगी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट रहा ही नहीं तो स्टार्टिंग से मोहन किसको जानता था राम को हाँ अगर बिल का पेमेंट देना होता तो सोहन को देता बट जब अब बिल तो बिल रहा ही नहीं तो मुझे बताओ मोहन किसको पेमेंट करेगा जिससे इंडिविजुअली उसका पेमेंट डिसाइडेड था डे वन से स्टार्टिंग से किसको मोहन को पैसे देने चाहिए राम को और बेटा कॉमन सेंस लगाओ राम की बुक्स में अगर मोहन असेट है है ना तो मोहन की बुक्स में राम क्या होगा लाइबिलिटी तो बीपी होगी बंद और किसको पैसा देगा राम को लाइबिलिटी इंक्रीज सब ओरिजिनल सिचुएशन पे आ जाता है डिसऑनर पे मोहन से पैसा लेगा सोहन को देगा बीपी बंद होगा राम को पैसे देगा ओरिजिनल मतलब यहां मैं लिख देती हूँ डिसऑनर के केस में जस्ट पुट ओरिजिनल एफेक्ट थ्रू सॉन्ग किससे लेना किसको देना बी आर बन बीपी बन ओरिजिनल किससे लेगा ओरिजिनल एबिलिटी से देगा कि ओरिजिनल असट से देगा किसको ओरिजिनल एबिलिटी को ओरिजिनल बंदा किसको क्लोज करेगा बीपी को और किसको देगा अपनी ओरिजिनलिटी को और सोहन so बताओ सोहन so के बुक्स में ऑनर हुआ ही ही नहीं बेटा की छुपाओ इसके बुक्स में तो बी आया ही था और उसने क्या क्लोज कर दिया था अपना अट बट मुझे बताओ अब बी आर बी आर आया बंद करना पड़ेगा बंद बी आर क्रिएट हुआ तो डेबिट बंद करने पे क्रेडिट टू बी आर अकाउंट असेट रिड्यूस और मुझे बताओ सोहन so किसके पास जाएगा पैसे लेने के लिए बेटा सोहन तो डे वन से राम से ही पैसे लेने थे तो डिसऑनर के बाद अब वो मोहन को क्या करेगा मोहन तो गया मोहन तब सीन में था जब इंस्ट्रूमेंट था जब सीन में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है तो बताओ सोहन किसके पास वापस पैसे मांगेगा राम के पास राम अकाउंट डेबिट असेट इंक्रीज बी आर किया बंद ओरिजिनल असेट को किया इंक्रीज अब बेटा नहीं समझे तो ध्यान से देखो राम की बुक्स में मोहन असेट है तो मोहन की बुक्स में राम क्या होगा लाइब्रेटी राम के बुक्स में सोहन क्या है लैबलिटी तो सोहन के बुक्स में राम क्या होगा असट और नहीं तो सॉन्ग से करो किससे लेना मोहन किसको देना सोहन यस बी आर बीपी सिर्फ और सिर्फ उसी के बुक्स में क्लोज होंगे जिसके बुक्स में फाइनली एग्जिस्ट कर रहा है बाकी सबके बुक्स में में गाना गाना है किससे लेना किसको देना मोहन अपनी बुक्स में क्या बंद करेगा बीपी और किसको जानता है वो लैबलिटी के केस में सिर्फ और सिर्फ राम को सोहन से तो उसका कोई लेना देना था ही नहीं सुवन so सिर्फ किसको जानता है राम को तो बताओ वो किससे पैसे लेगा राम से और क्या क्लोज करेगा बी आर देखो दिस इज डिजॉनर एंट्री स्क्रीन को थोड़ा छोटा करती आई होप इट इज क्लियर आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो बेटा बट प्लीज अगर इस वीडियो को भी ध्यान से पढ़ोगे मैं बहुत आराम आराम से ऐसे कॉन्सेप्ट की तीन चार वीडियो बनाऊंगी उसके बाद ही हम सम्स की प्रैक्टिस लेंगे पर पहले तुमको पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना पड़ेगा यस मैं एक और वीडियो लगे तो इसके बाद इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट आई टेक इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड की प्रैक्टिस हम दो दिन भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में डू नॉट वरी पर ध्यान से देखो किससे लेना किसको देना बी आर बी पी क्लोज यस दिस वॉज इंडोर्समेंट होप एवरीबडी इज क्लियर विथ मी हंड्रेड परसेंट कोई भी डाउट होगा बच्चों प्लीज कॉल मी या व्हाट्सअप में मैं अगला एक और वीडियो लेक्चर भेजूंगी जिसमें मैं दो तीन एग्जाम्पल्स करूंगी उसके बाद ही बेटा फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर की क्लैरिटी आएगी बट हां फर्स्ट लेक्चर एंड सेकेंड लेक्चर अगर ऐसे भी समझ जाओ सिर्फ कॉन्सेप्चुअली तो भी बेटा आई थिंक एट्टी परसेंट तुम्हारे ग्रिप में आ जाएगा जो हम ट्वेंटी परसेंट है वो मेरे दो तीन एग्जाम्पल से आ जाएंगे तो अगला वीडियो मेरे को तुम, मैं तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन नॉर्मल बिल सेटलमेंट एंड एंडोर्समेंट बिल सेटलमेंट एंड डिजोनर कराने वाली हूँ सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर विद केस ए एंड केस बी Everybody with me? Yes? Thank you so much, friends.